Yes, good morning, beta. Today we are going to start with the revision of coordinate geometry, chapter number 3. So let me discuss the few concepts. Yes, the equation of x-axis is, y equal to 0. Equation of y-axis, x equal to 0. Any point on x-axis is of the form, as you know that on x-axis, your y-coordinate is 0 and the point is x, 0. X, 0 is any point on your x-axis. Is it okay? Yes, listen to me first. Stop writing. Listen to these concepts. You will get the time to note down the things. Any point on x-axis is of the form x, 0 because on x-axis, your y-coordinate is 0. So x, 0 is any point on x-axis. Any point on y-axis is of the form, actually on y-axis, your x-coordinate is 0. So 0, y is the point. Is it okay? Point 0, 5 lies dash. Start karo ye karne. Start karo. Sign of third quadrant. If you are unable to write the sign, you can draw the coordinate axis, then you can check the sign. What is the sign in the first quadrant? Plus plus. Both the terms are plus plus. And in the second quadrant, x is negative, y is negative positive. Pahle x, fir y. Isme x negative, y negative. Yahan plus plus hota hai na, isko opposite negative negative. Yahan par x positive, y negative. So you can see the sign from here.
उधर क्यों चले गए? Done these questions? Yes, 0.0,5 in this x coordinate is 0. What is x coordinate called? What is another name for x coordinate? Abscissa. Another name for y coordinate is ordinate. मैंने यहाँ पे पूछा है ordinate of 4,-5. ये क्या है? Abscissa. ये क्या है? Ordinate. तो answer is -5. Here. X coordinate is 0, so it will lie. कहाँ lie करेगा if x coordinate is 0? Y axis. Sine in the third quadrant. Draw कर लो x negative, y negative, negative negative. Does y comma x pass through origin? उन्हें ऐसा क्या meaning है इसका? क्या ये origin से pass करता है? ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? नो, ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? दीप्तिर्थी क्या होता है? ओरिजिन का क्या मीनिंग होता है? पुष्टि 0,0 ओरिजिन का क्या मीनिंग होता है? ओरिजिन मतलब जो ओ 0,0 एक्स भी 0 वाई भी 0 एक्स 0 वाई 0 0 इक्वल टू 0 नहीं होता? अगर पुट करोगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? भूल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है? x और y को जब 0 पुट करेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यस इट पास थ्रू ओरिजिन. इफ द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0, सौम्य बोलो, अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है देन द पॉइंट लाइज ऑन. If y coordinate is 0, then the point lies on x axis. If x coordinate is 0, then the point lies on. If we join the point these, name the figure.
विच फिगर यू आर गेटिंग? हैव यू ड्रॉन द फिगर? ड्रॉ करो जिन्होंने नहीं की. जप्रीत, 2.4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर? क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4. 2.4 कहां लाई करता है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर में? ये कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया, एक्स टू, ये एक्स टू. यहां क्या आता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? यहां, यहां. तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है. एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, कहां लाई करेगा? ये कौन से क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस किस में लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ये करो क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट यू आर गेटिंग? ओके,
जसलीन क्या सोच रही हो? काम करो। Yes, abscissa of all the points on x-axis. Yes, because abscissa of all the actually x-axis पे क्या होता है? Y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, लेकिन x-axis x पॉइंट तो होता है ना। इस पे कोई भी पॉइंट है, जैसे ये सपोज वन है, वन कॉमा जीरो, ये क्या होगा? टू कॉमा जीरो, ये क्या होगा? थ्री कॉमा जीरो। तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, माइनस वन माइनस टू, तो इट कैन बी एनी पॉइंट। राइट टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा पॉइंट लिखो जिसका ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये और ये, इधर भी वन यूनिट का गैप है, इधर भी वन का। तो पॉइंट हो गया वन कॉमा जीरो माइनस वन कॉमा जीरो, टू कॉमा जीरो माइनस टू कॉमा जीरो, कोई भी दे सकते हो आंसर। आंसर इज वन जीरो माइनस वन जीरो, ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड देना है तो टू जीरो माइनस टू जीरो, कोई भी दे सकते हो, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। बी की वैल्यू कंपेयर करो, ये इक्वल है, एक्स जीरो बी ट्वेंटी टू। यहाँ पे एब्सिसा क्या है? जीरो। ऑर्डिनेट क्या है? ट्वेंटी टू। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालना हो तो क्या आएगा? एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस, एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट माइनस ट्वेंटी टू, दोनों का सम निकालना हो तो ट्वेंटी टू। ऑर्डिनेट माइनस एब्सिसा करना हो तो ट्वेंटी टू माइनस जीरो ट्वेंटी टू। अगर एब्सिसा में से ये माइनस करोगे तो माइनस ट्वेंटी टू, इसमें से इसे माइनस करोगे तो ट्वेंटी टू, ठीक है। ऐसे कुछ भी आ सकता है, करो वो वाला क्वेश्चन।
find the perpendicular distance of 5 comma minus 7 from x axis. x axis से perpendicular distance बताना है, क्या होगा? 7 units. x से बताएंगे तो 7 वाला, मतलब y वाला. y से distance पूछेंगे तो x वाला. अभी x axis से perpendicular distance पूछ रहे हैं, तो क्या आएगा? 7 units. negative नहीं लेना, ठीक है? जैसे यहाँ negative नहीं लिया ना, ऐसे यहाँ पर भी नहीं लेना. next is in which quadrant this point lie? x positive है, y negative है. फोर्थ क्वाड्रेंट. ये किसमें लाई कर रहा है? चेक कर लो. x पॉजिटिव 2, ये माइनस 3 यहाँ आएगा. x माइनस 3, माइनस 3 y पॉजिटिव सेकेंड में. सेकेंड में ये फोर्थ में, ये सेकेंड में. इफ द पॉइंट ए कॉमा बी लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पे, तो x पॉजिटिव है, y x पॉजिटिव है, ये a पॉजिटिव है, y b नेगेटिव है, तो कौन ग्रेटर है दोनों में से? a पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव. तो आपसे साइन भी पूछ सकते हैं. a का साइन क्या होगा? पॉजिटिव. b का साइन क्या होगा? राइट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज माइनस 7, ऑर्डिनेट इज 2, माइनस 7 कॉमा 2. क्लियर है? Write down, if the perpendicular distance of a point from x-axis मैम आपका, हाँ बोलो. नेट की मैम आपका नेट मैम, यस मैम, वीडियो स्टिल हो रही है, वॉइस भी क्लियर. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 7, इसका क्या मीनिंग है? इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 7, y इक्वल टू 7. बात समझ आई? कहता है एक पॉइंट है जिसका x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 7 है, इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है. जैसे वहां किया था, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो y लिया था ना, 7 आ गया था. यहाँ पर भी सेम है. कहता है एक पॉइंट है जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस 7 यूनिट है, इसका मतलब 7 जो है वो y कोऑर्डिनेट है. अब ये नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आगे पता चलेगा. एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्या मीनिंग है इसका? एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब वो पॉइंट या तो यहां कहीं आ रहा है या यहां कहीं आ रहा है, ये नहीं पता कि कहां आ रहा है. ये पता है बस कि y कोऑर्डिनेट उसका 7 है, तो वो 7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है. बात समझ आई? कहता है एक पॉइंट है जिसका x के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 7 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 7 दिया हुआ लेकिन x नहीं दिया हुआ. कहता है जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x में बन रहा है, मतलब x की नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इस साइड पे नहीं, इस साइड पे बन रहा है. तो परपेंडिकुलर यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है. इसका मतलब y की वैल्यू इट कैन बी 7 और -7, ये हो सकती है. ऑप्शन सुनो, उसमें से बताओ. x कोऑर्डिनेट इज -7, हो सकता है ये? x कोऑर्डिनेट -7 हो सकता है? y कोऑर्डिनेट 7 only? नहीं. y कोऑर्डिनेट -7 only? नहीं हो सकता. y कोऑर्डिनेट 7 और -7, ये होगा. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन होगी इसका आंसर. लिखो नेक्स्ट. ए पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस
5 units from y axis. Represent the position on the plane, Cartesian plane, and write the coordinate. मतलब इसे प्लॉट भी करना है और इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना है. क्वेश्चन लिख लिया. ए पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस. ड्रॉ द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड राइट द कोऑर्डिनेट आल्सो.